हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी बैरियर्स इस्तेमाल होते हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पर हम ज़्यादातर बैरियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम आदमी हो या फिर मटेरियल हो या फिर व्हीकल हो उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बैरियर। अब ये कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जो बैरियर है उसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो हाईवे प्रोजेक्ट्स पर किया जाता है, और ये जो है ये टेम्पररी बैरियर्स है कि जिसकी वजह से जो भी वर्किंग क्रू है उसको ट्रैफिक से जो है प्रोटेक्शन मिल सके, और इस बैरियर की मदद से जो भी कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट हो या फिर टूल्स हो उसको भी वर्क साइट के अंदर कंटेन कर सके। और इस बैरियर का जो इस्तेमाल है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जहां पर नियर में रोडवेज का काम चल रहा है वहां पर भी किया जाता है। इस कंक्रीट बैरियर को एंकर पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लिप करके प्लेस किया जा सके, और फिर इस बैरियर के ऊपर रिफ्लेक्टिव जो मार्किंग्स है वो भी प्लेस की जाती है ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। अब सेकंड बैरियर आता है हमारा प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन बैरियर। अब ये जो प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन बैरियर है इसका जो वेट है ये बहुत ही लाइट होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बैरियर, और इस बैरियर के अंदर वाटर हो या फिर सॉइल को फिल किया जाता है ताकि ये जो बैरियर है वो एक जगह पर स्टे रह सके। इस बैरियर का जो यूज है वो ज्यादातर जो भी व्हीकल्स है या फिर जो भी ट्रैफिक है उसको अलर्ट करने के लिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि वहां पर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है वो चल रही है। फिर उसके बाद का हमारा बैरियर आता है वो है गार्डरेल्स। ये जो कंस्ट्रक्शन बैरियर है इसका जो यूज है वो जॉब साइट पर किया जाता है ताकि जो भी वर्कर्स है उसको फॉलिंग हजार से प्रिवेंट कर सके। गार्डरेल को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर वार्निंग टेप भी लगाया जाता है ताकि जो भी वर्कर्स उस जॉब साइट पर काम कर रहे हैं वो अलर्ट हो सके कि वहां पर पोटेंशियल हजार्ड है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट बैरियर के बारे में, जिसका नाम है फेंसिंग। फेंसिंग जो है वो वर्क साइट एरिया के अराउंड में किया जाता है, और ये जो फेंसिंग है ये प्लास्टिक मेस से हो या फिर चेन लिंक से भी किया जाता है, और इसकी वजह से जो भी लोग वहां पर है या फिर जो भी पेडेस्ट्रियन लोग हैं उनको एक वार्निंग मिल जाती है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है वो चल रही है। फिर उसके बाद का बैरियर आता है वो है सेफ्टी नेट्स। तो सेफ्टी नेट जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टी हो या फिर टूल्स हो वो नीचे ना गिर सके, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, और इसके अलावा जो भी अनएक्सपेक्टेड जो भी मटेरियल ऊपर से गिरता है तो वो नीचे में जो भी लोग हैं वहां पर काम कर रहे हो या फिर जो भी पेडेस्ट्रियन लोग वहां पर है तो उनके ऊपर ये जो मटेरियल है ये ना गिर सके और उनको इंजुरी होने से बचाया जा सके। एक अच्छी जो सेफ्टी नेट है वो एक फॉल अरेस्ट सिस्टम का भी काम करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो तो वहां पर कौन से टाइप के बैरियर होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।